500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगने के बाद आम नागरिकों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तिलमिला उठी हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा हो रही है कि आखिर उन्होंने जो काला धन छुपा कर रखा है उसको वो अब क्या करें, वो अपने काले धन को किस तरह से वाइट करें। खबरों के मुताबिक इसी काले धन पर अपनी राय देने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली की आजादपुर मंडी से अपना भाषण देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने जो 500 और 1000 रुपए के नोट पर जो पाबंदी लगाई है ये गलत है और इससे रेड़ी पटरी लगाने वाले लोगों और मजदूरी करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएम मोदी के 50 दिन वाले फैसले पर भी उन्होंने कहा कि मोदी जी लोग आपको 50 दिन तो क्या दो दिन भी नहीं देना चाहते। वहीं उन्होंने विजय माल्या पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें छुपके से लंदन भेज दिया है और वहां विजय माल्या ऐश कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी अगर आपने अपना फैसला 3 दिन में वापस नहीं लिया तो हम ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। खैर मोदी जी के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि वाकई काले धन पर पीएम ने जो फैसला लगाया है उससे राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली है कि क्या वाकई इस भाषण से लोगों पर कुछ असर पड़ेगा या फिर इनका भाषण नाकामयाब साबित होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।